नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्प टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम बात करेंगे जो IITI की मार्कशीट है उसको कैसे डाउनलोड करना है, ओरिजिनल प्रिंट कैसे निकलेगा, पूरा प्रोसेस जानेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। सिंपली आपको कोई सर्च इंजन यूज कर सकते हैं, सिंपली हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करते ही आपको सिंपली आपको टाइप करना होगा ncvt.mis। ncvt.mis जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सिंपली ncvt.mis पोर्टल पर इस पर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। वेट कर लेते हैं, नेटवर्क इशू है। आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का पेज ओपन हो जाएगा। आप सिंपली आपको आना है इस पर, देखिए एक होम पेज दिया हुआ, होम पेज के बगल में आपको इस पर दिया आई टी आई सर्च में आप अपना ITI कॉलेज सर्च कर सकते हैं। ITI कॉलेज सर्च कर नीचे आप ITI जो ग्रेडिंग है ग्रेडिंग देख सकते हैं। इसके बाद ट्रेड स्टडीज आप इसमें जैसे देखना है कि कितनी डेट किस ITI में, उसके रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट बना देंगे। आपको सिंपली आज हम बात करेंगे अपना सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड। सिंपली हमने आपको ट्रेनेज पे आते ही आपको नीचे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। पॉपअप विंडो ओपन आते ही आपको ट्रेनेज प्रोफाइल पे आना। ट्रेनेज प्रोफाइल पे आते ही आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपको एक नया पेज फिर से डिडायरेक्ट किया जाएगा। इस पर आपको देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, इस पर आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके कॉलेज से मिल गया, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। सिंपली आपको उस पर जो आगे के 00 में 00 हटा करके आपको सिंपली कैपिटल R फिल करना होगा। कैपिटल R फिल करके आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना। इसके बाद फादर और गार्जियन, जो आपको फादर नेम आपके जो एडमिट कार्ड में लिखा होगा उसको सिंपली आपको, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ तक तो आ जाते हैं लेकिन जो फादर्स और गार्जियन नेम में है वो सिंपली क्या करते हैं, जो टाइप करते हैं तो कैपिटल लेटर ना टाइप करके स्मॉल लेटर में टाइप कर देते हैं, तो उनका जब सबमिट करते हैं तो पेज ओपन नहीं होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो फादर्स हैं उस पूरे कैपिटल अक्षर में फिल करना होगा। इसके बाद बात करें हम डेट ऑफ बर्थ की, सिंपली आप जब ओपन कर रहे हैं मोबाइल पे तो आपको सिंपली 3 डॉट पे जाके आपको डेस्कटॉप मोड पे खोल लेना है। क्योंकि आप बहुत से लोगों को दिक्कत कब आती है, जैसे कि आप ITI के वेबसाइट पर तो पहुँच गए, वेबसाइट पहुँचने के बाद आप जैसे ही इसे डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते हैं, डेट ऑफ बर्थ को चूज़ करते ही इसके बाद जैसे ही आप इस पर आते हैं डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन में, डेट ऑफ बर्थ में आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं का जो कैलेंडर है, कैलेंडर ये वाला नहीं खुल के आता है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको 3 डॉट पे या किनारे जैसे इस पर है 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं आपको डेस्कटॉप मोड का एक ऑप्शन आएगा, उस पर सिंपली उसके चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप मोड पर चलने लगेगा। जब आप आएंगे डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन को आपको सिंपली कि कैलेंडर ओपन हो जाए, आपको सिंपली यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर चूज कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ में ईयर है वो चूज़ कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ से मंथ चूज कर लेना है। मंथ चूज करने के बाद आप सिंपली यहाँ से डेट चूज कर लेना। डेट चूज करने के बाद आपको जो नीचे टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट को सिंपली फिल कर देना। फिल करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको सिंपली प्रिंट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर जैसे आप फर्स्ट ईयर का निकालना चाहते हैं फर्स्ट ईयर का भी निकल आएगा। सेकंड ईयर जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों कर चुके हैं तब आपको जैसे यहाँ से आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देखनी है तो आपको सिंपली केवल फर्स्ट ईयर की निकलेगी। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह मार्कशीट डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद सिंपली आपको दिखा देते हैं कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट कुछ ऐसे आएगी। सेकेंड ईयर की देखने, सेकेंड ईयर की आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे सेकेंड ईयर की मार्कशीट आ जाएगी। अगर आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की जैसे आप कहीं लगाना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की तो आपको प्रिंट कंसोल मार्कशीट पे आपको क्लिक करना होगा। सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मिक्स जो आपके दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो नंबर होंगे आपको एक ही मार्कशीट पर दिखाए जाएंगे। जैसे कि आपके सामने हम दिखा दें, ये आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपके सामने नज़र आ रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे कि ITI का जो सर्टिफिकेट है उसको कैसे प्रिंट करना है।